हम अपना 100वां एपिसोड जो है वो बच्चों के साथ ही मनाने जा रहे हैं और आज हम उन बच्चों को इनवाइट करने जा रहे हैं जो बच्चे खुद एंटरटेन करने आ रहे हैं सोनी टीवी के एक बहुत ही प्यारे से शो को लेकर जिसका नाम है सबसे बड़ा कलाकार। सो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा उन 10 बच्चों को और उनके साथ बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर, कमाल के परफॉर्मर मिस्टर बमन ईरानी। जोरदार तालियां सारे बच्चों के लिए और बमन सर के लिए। बमन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बमन सर प्लीज जोरदार तालियां। ये एक बच्चा दो बार क्यों है? अरे आप तो दोनों सेम हो। क्या नाम है आपका? तान्या। मेरा नाम तनीषा। अब आप बताओ कौन सी तान्या कौन सी तनीषा? एक सेकंड, आप इस तरह मुंह करिए बमन सर। इधर आओ। तो क्या है ना, इधर आओ बैठो। अब आप बताओ कौन सी तान्या है कौन सी क्या है? आप मुझे पूछ रहे, कभी कभी माँ बाप नहीं पहचान पाते पता है। सर आपको बड़ा ज्यादा मजा नहीं आ रहा बच्चों के साथ काम? बहुत मजा आ रहा है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। सर आइए आप तशरीफ रखिए जी। मैं एक दो चीज कहना चाहूंगा। जी सर। आज आपका 100वां शो है जी। हर एक शो देखता हूँ मैं। तो स्वीट, थैंक यू सर। हर एक शो देखता। मेरी बीवी को सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा। जो भी आता है खर्चा कर लेती है, लेकिन एक चीज हमेशा सेव करते रहती है, वो आपका शो। तो स्वीट। शी सेव्स द शो। मैं घर पे आता हूँ, कभी कभी मूड खराब होता है तो कुछ बोलती नहीं, शो चालू कर रख देती है। एंड इट फील्स सो नाइस कि ऑटोमेटिकली चुपचाप उसको इशारा मिल जाता है एंड वी वॉच इट टुगेदर एंड इतना अच्छा लगता है। मैं एक बात कहूंगा कि लोगों को हंसाना एक्चुअली भगवान का काम है। चार्ली चैपलिन साहब ने कहा था कि डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। सर आपने हमारी इतनी तारीफ कर दी, पर आप भी काबिले तारीफ है सर, बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू। अपनी अदाकारी से फिल्मी पर्दे को सजा देते हैं, वो कोई भी किरदार उसे बाखूबी निभा देते हैं। ये वो इंसान है बॉलीवुड के जो 100 के रिचार्ज में 1000 का मजा देते हैं। क्या बात है सर। एक्चुअली आपने तमाम उम्र के लोगों के साथ काम किया होगा, हीरो हीरोइन हैं, आपके सीनियर एक्टर्स हैं, आपसे जूनियर हैं, बच्चों के साथ काम करके किस तरह का मजा आ रहा है आपको? मजा भी आता है कपिल, और सीखने को भी बहुत मिलता है, क्योंकि हम जब स्कूल में काम करते थे, पहले प्ले में काम किया था, हम बिना डर के हम परफॉर्म करते थे जी। अब हम थोड़ा वी कवर आर सेल्व वेरी वेल, कि मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दे डोंट केयर, दे डू इट बिंदास। अच्छा बच्चों मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जिसने जवाब देना हो हाथ खड़ा करना। जैसे पीके में बमन सर बैठते हैं न्यूज चैनल में ऐसे करके, उन्होंने कोट पहना रहता है, उठते हैं तो वो शॉर्ट्स में आ जाते हैं। तो अभी आपका शो जो चलता है सबसे बड़ा कलाकार, उसमें भी आगे टेबल रहता है, तो वहां पे पैंट पहनते हैं? आपने कभी चेक किया है? वो इसलिए पहनते हैं कि नीचे से दिखता है। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कि शायद वहां पे पैसे तो नहीं बचा रहे ना जी। अच्छा बच्चों आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बहुत ही क्यूट शो है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा एक एक करके आप सब बताओगे आप बड़े होके क्या बनने वाले हैं, क्योंकि एक्टर तो आप अभी बन गए हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने शो में, बड़े होके क्या बनना है आपको? आपसे शुरू करते हैं ठीक है। कथक डांसर्स। कथक डांसर्स। ये जवाब भी दोनों साथ में देते हैं सर। बेटा आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे फेमस एक्ट्रेस। बहुत अच्छी एक्ट्रेस। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस। और आपको छोटी? मेरे को डांसर बनना है। कौन पसंद है आपको डांस में? डांस में डायनासोर। रेमो सर। अच्छा अच्छा, आपको एक्टर बनना है? खड़े होके बताओ जरा, जूड़ा देखो इसने किया इतनी खुद नहीं जितना बड़ा जूड़ा किया है, खड़े खड़े होके बताओ। वाओ, ये आपने ड्रेस कहाँ से ली? पापा से। पापा कहाँ है आपके? क्या करते हैं आपके पापा आपको पता है? क्या करते हैं? ये मैंने इसलिए किया है
कि कितना महान काम करते हैं तेरे पास। टेलीविजन के इतिहास में मैंने ऐसा जवाब सुना है। बेटा ऐसे सबके पापा करते हैं पर बताते नहीं, ठीक है? अच्छा सबकी हंसी निकली है, पापा की नहीं निकली, मैं बता रहा हूँ। पापा का कुछ और जो निकाल दिया उन्होंने। ये बच्चे मुझे पता नहीं अभी यहाँ पे आज थोड़ी देर के लिए आए हैं, आगे चल के इनका पूरा सीजन चलने वाला है। ऑल द बेस्ट सब माँ बाप को। ऋषि, अरे वहीं आछू। ऋषि जहाँ भी जाता है उसकी मम्मी भी वहीं पे जाती है। मम्मी, ऋषि की मम्मी कहाँ छे? आये अहमदाबादी बहन छे हमारा। एवं ने डांस करवा वो भावे छे। अच्छा? ओहो। अभी उनका डांस करने का मूड खराब है। डांस करने का मूड खराब है? नहीं नहीं, एक्चुअली अरशद सर साथ नहीं है, पर इट्स ओके, कपिल सर तो है ना। क्या क्या फिर क्या करेंगे? क्योंकि क्या है कि कपिल सर जो है दरअसल उनके साथ बहुत ही मेरा अटैचमेंट रहा है, क्योंकि जिंदगी में कहीं कहीं कब रहा है मुझे बताया नहीं। So sweet of you. एक्चुअली जिंदगी में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं हमारे जी, जिसमें हम बहुत नर्वस हो जाते हैं जी, हमें कहीं दिशा नहीं मिलती है कि हम क्या करें, उसमें आदमी बहुत उलझ जाता है। करेक्ट जी। तो बेसिकली आपका शो जब मैं देखती हूँ तो सुलझ जाती हूँ, तो नहीं वो थोड़ी देर के लिए वो गम भूल जाती हूँ। सही में सर, डेफिनेटली बहुत अच्छी। पर जिनका शो देख के आपके उलझे हुए मामले सुलझते हैं, अगर उनका ही उलझा हुआ हो तो वो क्या शो देख के कमाल कर दिया। इधर आ यार, इधर आ यार, तू ये लाइन के लिए इधर आ। वही तो मैं 100 नंबर वाली लाइन थी। मैं यही बात बोलता हूँ कि लोग हमें बड़ा बोलते हैं कि जादू की चाबी। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, वेरी लवली। छा गया भाई, बगैर बादलों के छा गया, कमाल कर दिया। पर ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार जब मन परेशान होता है तो हम आपका शो देख लेते हैं। हाँ। अभी हमारा है तो आप अपना शो लेके आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका शो देख लेंगे। पर एनीवेज परिवार में ये सब चीजें चलती रहती हैं, और जितनी जल्दी किसी को गुस्सा आता है अगर उतनी जल्दी हम उसको भूल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बहुत अच्छा लगा आप शो में आई। थैंक यू सर। बेटा आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? डांसर। सब डांसर बनना चाहते हैं? बहुत अच्छा डांस करते हैं। अच्छा, और आप बेटा छोटे वाले, ए छोटा शाहरुख खान? मैं एक आर्मी मैन बनना चाहूंगा। आर्मी मैन बनना है? वेरी नाइस, वेरी गुड। मुझे एक गाना गाना है। गाना गाना है? अच्छा, आर्मी में जाके कि अभी गाना है? अभी गाना है। हाँ। तो अच्छा, अगर आपको आर्मी में जाना है, अगर आप एज ए एक्टर फेमस हो गए तो फिर क्या? एक्टर ही बन जाऊंगा। अच्छा, कंफर्म नहीं है मतलब? अरोड़ा साहब आपने बड़े होके क्या बनना है बताओ। मैंने बड़े होके बमन सर जैसा एक्टर बना है। ओए वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, ऑल द बेस्ट। बेटे आपने क्या बनना है बड़े होके? मेरे को एक हीरो बनना है। और सर मैं आपको एक चीज मतलब एक मिमिक्री करके दिखाना चाहता हूँ, नाना पाटेकर। प्लीज प्लीज। अच्छा, नाना पाटेकर साहब की जी। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा, सामने बैठे वाले बंदे ने पहना नहीं कच्चा है, काफी अच्छा है। वेरी नाइस। और आपने बेटा? मुझे बड़े होकर एक कॉमेडियन एक्ट्रेस बनना है। सो स्वीट। तो आपको हंसाना अच्छा लगता है? आप हमें कुछ जोक सुनाएंगे? मैं एक सिद्धू सर के लिए शेर बोलना चाहती हूँ। जी यस बेटा प्लीज। मेरी दुकान बंद करेगी? सुनो जी, सुनाओ जी। पंजाबियों दी अपनी शान, पंजाबियों दी अपनी शान, और जिधर भी जाते हैं उधर उधर जाके बना लेंगे अपनी पहचान। और ठग ताली। वेरी नाइस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। यस बेटा, आप क्या फिर बनेंगे बड़े होके? मैं बनूंगा फ्यूचर कपिल शर्मा। ओह स्वीट, थैंक यू बेटा, मुझे कभी किसी ने इतना लायक समझा नहीं वैसे। अच्छा रवीना मैम हैं, अरशद सर हैं और बमन सर हैं। हाँ। आपको सबसे ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं? अच्छा एक एक करके रवीना मैम किनको अच्छी लगती हैं? हाँ जी आपको बेटा क्या? आपको वो सुंदर है। वाह मेरे लल्ला, 7-8 साल की उम्र में रोमांस जाग रहे हैं।
मुझे सबसे अच्छे लगते हैं बोमन सर। बोमन सर, बोमन सर क्यों अच्छे लगते हैं? स्वीट है। क्या? स्वीट है? इन्होंने कभी आपको कुछ खाने पीने को दिया है? चॉकलेट दिए? नहीं? नहीं। तो फिर स्वीट क्यों लगते हैं आपको? लगते हैं? वैसे ही लगते हैं? हाँ? अच्छा बोमन सर सेट पे क्या करते हैं? सेट में बैठते हैं। तू कहीं वहीं ना बिठा देना जहाँ पापा को बिठा दिया था। बेटा आपको किसी को पता है आप सब मैथ पढ़ते हैं? आपको किसी को पता है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? हाँ। किसने? 1990 में सिद्धू सर जीरो का आविष्कार। कैसे हो आप? हेलो 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 हाय हाय। एक मिनट, अरे रुक जाओ बेटे, बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, मुझे उनको हल जाएगी बेटा, छोड़ दो। हेलो सर, हाय डार्लिंग, हाय हाय हाय, मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। बैठो बच्चों, बैठो 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 बैठो। I'm so excited, बमन सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Really? हाँ यार, really really। आज देखिए कमाल की बात है बमन सर, यहाँ पर एकदम अजीब सा हुआ है। देखिए यहाँ पे है सरकार, यहाँ पे सबसे बड़े कलाकार, और यहाँ एक आदमी बेकार। हजार सालों में ऐसा कॉम्बिनेशन ना कभी कभी होता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। तो गाइस अगर आपको इनका चेहरा पसंद ना आया तो इसको ब्लॉक करें। तो मुझे आज क्या 100वां एपिसोड है, उसमें भी आप ऐसी बातें करेंगे मायूसी वाली? आप अपने जीवन में थोड़ा हर्षोल्लास लाइए ना। हर्षोल्लास? हाँ मतलब ये कोई दो लड़के नहीं है, हर्षोल्लास मतलब हैप्पीनेस लाइए। अच्छा खुशियां लाइए, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? लोगों से मिलिए, यू विल फील हैप्पी। मुझे देखिए मैं कितनी खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ कि नहीं? हाँ आप लोग मुझे जानते हो ना? देखिए बच्चा बच्चा मुझे जानता है, देख रहे हैं आप? वैसे बमन सर मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। इतने सालों पहले अमिताभ बच्चन जी ने कह दिया था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर उसके 30 साल बाद फिर भी आपने डॉन को पकड़ने की एक नाकाम सी कोशिश की। साफ साफ बता दिया गया था, आपको क्या लगा डॉन थोड़े से बूढ़े हो गए होंगे, शायद पकड़ लेंगे आप? ऐसा नहीं होता सर, बस आधा मिनट और है, बस फिर चली जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। जाएगी जरूर ना। हाँ बमन जी आप इनकी बातों पे बिल्कुल भी तवज्जो ना दीजिए, ओके? बिल्कुल नहीं। वैसे आप सर, आप मुनाबा एमएबीएस में डॉक्टर बने थे ना, बस आपसे ही मैं एकदम इंस्पायर होके मैं भी इस मेडिकल इसमें आई हूँ, फील्ड में। ये मेडिकल फील्ड सर इनका कोई नहीं है, झूठ बोलती है। आपको पता है वैसे ताकतवर है, भगवान ने ताकत दी है, ऐसे नारियल को पकड़ के दबा के नारियल तेल निकाल देती है। कल तो दो भैंसों को इसने ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे दबाया, दूध निकाल दिया। एक तो इतनी जोर से दबाया कि उसका सीधा पनीर निकला। बच्चों यू विल बी फ्रेंड्स विथ मी? ओ बच्चों ये दोस्ती करके टिफिन खा जाती है बच्चों के। बिल्कुल नहीं, फ्रेंड्स के बीच में ये चलता रहता है। नो 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 नो, और फ्रेंड्स के बीच में चलता है, ठीक है फ्रेंड्स के बीच में चलता है, लेकिन खोल के खाओ ना, टिफिन समेत कौन खाता है? जब पता है अंदर खाना ही है तो खोलने की क्या जरूरत है? आलो खाने में क्या जा रहा है? वैसे मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, एक बार एक टोकरी में 5 आम थे, उसमें 2 सड़ गए, तो अब कितने आम है? नहीं 5 ही आम है ना, 2 तो सड़ गए, तो क्या वो आम ही है? केले थोड़ी ना बन गए। बच्चों वाह बम्पर वाह, क्या बच्चों वाला चुटकुला सुना दिया। ठीक है एक बार ना एक स्टूडेंट था, वो क्लास में आया, ओके? वो क्लास में जैसे आया टीचर ने काला चश्मा पहन लिया, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत ब्राइट था। बच्चों आपको पता है बम्पर दीदी की चोटी खींचोगे तो पानी निकलता है? अरे नहीं 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 खींचना नहीं है, ये कोई गेम हुआ? ऐसे नहीं होता है, ठीक है रुक जाइए, कोई नहीं। डांस ना आज भी आप लोगों ने काफी अच्छा कर लिया,
मैं सोचती हूँ आप लोग मुझे ट्रेन कर देंगे डांस में। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सीख लूंगी आपसे, ठीक है? तो आओ चलो मुझे ट्रेन करने के लिए ना, मेरे साथ चलो। आओ 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 बेटा, आओ आओ बेटा, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आइए बमन सर। ओ बच्चों ने तो हमें नहीं बोलने दिया। अच्छा बमन सर, ये बात सच है कि जो श्यामक डावर हैं, उन्होंने आपके अंदर का टैलेंट पहचाना था और उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग के लिए बने? ये सच है, मैं फोटोग्राफर था उस वक्त। अच्छा। और पोर्टफोलियोस करते रहता था और श्यामक मेरे स्टूडियो में आए और एक घंटे के अंदर मुझे कहने लगे, डार्लिंग यू गोना बी वेरी फेमस। बोला क्यों? फोटोग्राफी से? नहीं, आप कुछ और करेंगे। अच्छा। तो मैंने खास ख्याल नहीं दिया उस बात पे। फिर 6 महीने के बाद वो मेरे स्टूडियो पे आए और मुझे लेके गए एलेक पदमसी के पास। वो एक प्ले कर रहे थे तो बोला इस प्ले में काम करो। तो बोला मैं नहीं करूँगा। यू आर एन एक्टर, कभी भूलना नहीं। ऐसा आपको कैसे मालूम? इसे वो मेरा काम है, आई एम टेलिंग यू आप एक्टर बनेंगे। तो मैंने वो प्ले किया, 3 मिनट का रोल था। अच्छा। कर लिया वो और एक्टर बन गया। और वो 3 मिनट का रोल एक्चुअली बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और उसके एक के बाद एक मुझे थिएटर में प्लेज मिलने लगे। एंड माई करियर एज एन एक्टर स्टार्टेड। आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू श्यामक डावर फॉर रिकग्नाइजिंग। सर ऐसे ही एक सवाल था, यहाँ पे जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं जी, उनके एक पिताजी का सवाल था कि जैसे हर आदमी अपनी बीवी का जो नंबर है वो सेव करते हैं कि जानू बेबी, ऐसे करना पड़ता है। जैसे सिद्धू पाजी ने सेव करके रखा, ओए मर गए। तो सर आपने मैडम का नंबर कैसे सेव करके रखा हुआ है? ऐसे ही मैडम का नंबर ने, मेरे बच्चों ने नंबर सेव किया है मेरा। उन्होंने तो लिखा हो ना कि वेर आर यू, वेर आर यू। वो क्यों लिखते हैं ऐसे बच्चे? क्योंकि मैं हमेशा फोन करता हूँ, उठाते हैं, वेर आर यू। अमन सर आपने इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आता है? शाहरुख खान। इसके पीछे क्या रीजन है सर? सिंपल रीजन है कि शाहरुख का जो रूम का दरवाजा होता है ना जी, हमेशा खुला रहता है। अच्छा। कोई भी आए रात के, शाहरुख तो वैसे सोता ही नहीं जी, प्रॉब्लम वही है। तो 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, कोई भी आओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, द डोर इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। एक बार तो शाहरुख और मैं बैठ के PS4 काफी गेम्स खेलते हैं। हाँ, खेलते रहते, हम बैठे थे और शाहरुख उस तरफ देख रहा है, दो शख्स बैठे हैं वहां पे, तो मेरी तरफ बैठा, आपके गेस्ट से? बोला नहीं। तो फिर कौन है? मुझे क्या मालूम तुम्हारा रूम है? कोई आके दो जन बैठ गए थे रूम पे, बैठ गए। हाँ, फैंस है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।